पहली बार सही बताऊं तो डर लग रहा है पता नहीं क्यों पर लग रहा है भाई बहुत ज्यादा। ये सुबह सुबह सारा सामान रखते हैं गाड़ी में भाई। बाकी सब ठीक है, जाते हुए भी सामान ज्यादा होता है आते हुए भी सामान ज्यादा होता है, समझ में नहीं आता इतना सामान करते क्या है हम लोग, कहाँ सामान ले जाएंगे कुछ नहीं पता भाई। बाय द वे गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है, होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी अब मस्त हूँ, मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अपने घर से, हम घर से निकलने तैयार है। जैसे कि आपको पता है हमारी बसंती खड़ी है नॉर्थ ईस्ट में और वो वहां खड़ी है, हम यहाँ खड़े हैं तो सही नहीं लगता है भाई। तो बसंती के पास जा रहे हैं हम वापस नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए, मतलब हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर आए थे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली के साथ, वो कंप्लीट हो गया भाई और आज शाम की अपनी ट्रेन है। बेसिकली हम अभी कार के अंदर बैठ के दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और कुछ रीजन की वजह से, वैसे वो ट्रेन तो आगरा से ही जा रही है पर कुछ रीजन की वजह से हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो वो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा भाई। बाकी निकलते हैं अब। गुड मॉर्निंग टोनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, सत श्री अकाल कर दो। बड़ा टेंशन में है, उठा के सीधा बाहर ले आयो, बाहर उंगली होगी, बाहर चलो, बाहर चलो ना, मम्मा को गया ना पापा को, बाहर दिख गया ना मेन रोल में गया। सो बाय बाय करने का टाइम आ चुका है मम्मी को, जल्दी आ जाऊंगा लौट के पक्का। पहले गुरुद्वारे मत्था टेकते, ठीक है मैं मत्था टेकता हूँ बाबा जी को, साथ मत्था टेक के बाबा जी मेरे साथ। चलो पहले मैं गुरुद्वारे मत्था टेकता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। बाय मम्मा, देर बेटे चाय, बाय बाय, बाय बेटे, जल्दी से आना, जल्दी आओ, खुशी खुशी आना, खुशी खुशी आऊंगा, क्या कह रहे हो कुछ बता रहे हैं मनी, अच्छा कुछ सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा क्या, अच्छा अच्छा छोड़ दो आई, हाँ हेलो, ये उल्टा हाथ मिला पहले तू, ऐसे आराम से मिलाऊंगा, आराम से, बाय बाय मनी, ये भी लेके जाना है, बस ये प्लेटे प्लेटे सब कुछ चक्की लेके जानी, अच्छा चलो ठीक है, बाय 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 सारों को, बाय 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 कर दे, बाय बाय, गाड़ी खड़ी रोड पे यार, चलो चलो जल्दी चलो, बाय बाय, ठीक है ओके 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 ओके। निकल पड़े हैं अपने सफर पे दिल्ली की तरफ, सीन कुछ ऐसा है जैसे कि आपको पता है अपना टेंट लॉस हो गया था भाई लास्ट टाइम, उसकी स्टिक अपन को आगरा से नहीं मिली है, पर हाँ दिल्ली में करोल बाग वाले जो डी गैथ करो ना वहाँ पे अवेलेबल है, और मोहित भाई से मैंने बोला था कि आप स्टिक्स ले लेना वहाँ से, तो मोहित भाई इस वक्त थोड़ा बिजी है, घर में कुछ इशू होगा, मतलब कि घर के कुछ काम वाम है जो नहीं हो पाए थे, अभी वो भी ट्रैवल कर रहे थे मैं भी ट्रैवल कर रहा था इस वजह से, तो उसलिए मुझे भी दिल्ली जाना पड़ रहा है वो सामान वामान लेके, फिर मैं वहीं से दिल्ली से भी चढ़ जाऊंगा भाई। बाकी मोहित भाई अभी हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं इस ट्रिप पे क्योंकि उनके घर में थोड़ा काम है ना, इसी वजह से थोड़े टाइम बाद शायद वो निकलेंगे तब वो आएंगे वहाँ पर। बाकी हम निकल रहे हैं क्योंकि हमारी बाइक वहाँ पर खड़ी हुई है, सारा सामान वहाँ पर है और वैसे भी पहले से प्री बुक टिकट्स हैं, इस वक्त टिकट भी नहीं मिल रही है, अगर हम टिकट मारने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़े मुश्किल से टिकट मिल रही है नॉर्थ ईस्ट वापस जाने के लिए, इस सब लोग त्यौहार की वजह से इधर से उधर गए हुए ना इस वजह से। तो आज शाम की जो ट्रेन है उसमें ब्रह्मपुत्र में हमारी टिकट है और उसमें भी झोल है जो आपको आगे पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आराम से। बाकी निकलते हैं अभी दिल्ली के लिए भाई।
सुन लो भाई, पहुंच चुके हैं हम दिल्ली होम स्वीट होम। एक घर से दूसरे घर पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली वाले घर में थोड़ी देर भी नहीं मिलने वाला रुकने के लिए, यहाँ से फटाफट निकलने वाले हैं, क्योंकि सामान वामान उठाना है, फिर मुझे कुछ सामान भी लेना है। जैसे मैंने आपको बताया टेंट की स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लेनी है, फिर टाइम लग ही जाता है जब हम एक जगह से दूसरे जाते हैं, तो इसलिए। बाकी रेट्स ना काफी समय से स्टार्ट नहीं हुए, तो चंचुया कह रहे थे जाने से पहले ना एक बार स्टार्ट कर दे। वो पीछे भी लगता है किसी गाड़ी का लॉक खुला होगा ना, तो आवाज़ बहुत कर रही है। बाकी अपन अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत वो नॉर्मल हो जाएगी। काफ़ी दिन खाली खड़ी रहती है तो ड्रेन हो जाती है गाड़ी, और स्टार्ट कर देंगे तो फिर सही रहेगी भाई। ऐसी जब भी चक्कर पड़ता है मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं तो चंचुया को फोन करके रिमाइंड कर देता हूँ कि एक बार स्टार्ट कर दो भाई। महीने में 15 दिन में एक बार स्टार्ट कर देते हैं, वो थोड़ी बहुत देर छोड़ देते हैं। बाकी मैं पेट्रोल टैंक के अंदर फुल रखता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती स्टार्ट वार्ट करने में। घर पे खड़े खड़े बस स्टार्ट कर दो और फिर नॉर्मल रहती है गाड़ी बिना किसी दिक्कत के। लगभग पूरे 2 महीने बाद स्टार्ट कर रहा हूँ मैं गाड़ी को। काफी समय से सिर्फ ऐसे ही खड़ी हुई है पूरी गंदी गंदी हो रखी है। तो मैं जस्ट अभी स्टार्ट करने की कोशिश करी थी अंदर बैठ के, पर ये स्टार्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही कहीं पे भी यार बैटरी ड्रेन हो चुकी है, पर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी स्टार्ट। मैकेनिक को यानी बुला लेंगे जब भी आएंगे, तब तो स्टार्ट कर लेंगे। बस बैटरी चार्ज करनी होगी और कोई इशू नहीं होगा भाई गाड़ी के अंदर। अब बेसिकली मेहनत ज़्यादा बढ़ गई, अब धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ेगी अभी के लिए, और फिर इसे कम से कम आधा एक घंटा चालू रखनी पड़ेगी, तब ये चार्ज हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, जब तक मैं इसको आसपास चला के ले आऊंगा ना, तो अपने आप चार्ज हो जाएगी, फिर बढ़िया रहेगा। एक हेल्प हो गई, मनी भैया के भैया आ गए थे घर से, तो उन्होंने हेल्प कर दी बेसिकली, और बैटरी निकाली और बैटरी से हमने रेड्स को चालू कर लिया। मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गया था यार, नुकसान हो गया मोटा कुछ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी सब कुछ नॉर्मल है। काफ़ी बढ़िया है भाई, नहीं तो टेंशन हो जाती है, गाड़ी के अंदर खर्चा ज़्यादा मोटा आता है जेन्युइनली। सो वापस पार्क कर दी गाड़ी, काफ़ी देर चालू रखा था, चार्जिंग वापस हो गई है बैटरी की। बेसिकली हुआ क्या था कि जो ऊपर वाली लाइट थी ना वो चालू रह गई थी मुझसे, और उसी वजह से सारी बैटरी लो हो गई भाई। पर अब मैंने ध्यान से ऑफ की हुई है भाई, आपने देखा ना बंद है, तो अब दिक्कत नहीं आएगी मे बी, और अगर दिक्कत आई भी तो कोई टेंशन नहीं है। अपने पास रेंच विंच है जिससे मैं बैटरी से आराम से निकाल के वैगन आर किसी और से चालू करके फिर बैटरी रिप्लेस ही करा दूंगा जब मैं आऊँगा तब। बाकी अभी चलते हैं भाई, सामान वामान सारा उठाना है, खाना वाना खाना है और निकलना भी है फटाफट। खाना वाना खा के बस निकलने ही लगे हैं। सामान वामान तो मैं सारा नीचे ही छोड़ के आया था, ऊपर लेके नहीं आया था, तो नीचे से ही सीधा उठा के सीधा मेट्रो स्टेशन चलेंगे और फिर वहां से करोलबाग जाना है। करोलबाग में अपन को टेंट की स्टिक मिल जाएंगी आराम से, तो बस खाना वाना खाते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट। वैसे टाइम तो बहुत है, अभी 4 बज रहे हैं, 5 बजे के आसपास मैं घर से निकलूंगा, करोलबाग तक पहुंच जाऊंगा 7 बजे के आसपास, थोड़ा ज्यादा टाइम बता रहा हूँ, पर वहां से फ्री होके टाइम से अपनी 11 बजे के आसपास ट्रेन है, सारे काम निपट जाएंगे धीरे धीरे सारे। तो ये रहा अपना कुछ सारा सामान, कम है थोड़ा सा और है, मेरे पीछे आपको पूरा बैग दिख रहा होगा जो मैं ट्रैवलिंग पे हमेशा यूज करता हूँ भाई, और ये बैग आज पूरा फुल्ली पैक्ड है भाई। ये अपने डीकैथलॉन का टेंट भी इसी के अंदर है, एक टेंट मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था ना स्पेयर का, बस उसकी स्टिक टूटी हुई थी, तो वो वाला टेंट भी इसके अंदर है, और काफी सारा और भी सामान लेके जा रहा हूँ। बेसिकली ये सारा सामान हमारे को आराम से यूज होगा आगे की ट्रिप पे, सर्दियों के कपड़े भी ले जा रहा हूँ, और बाकी अगर जैसे ज़्यादा सामान हो गया और मेरे को वापस भिजवाना होगा तो वहाँ से कोरियर करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहाँ पे अब धीमे धीमे ना सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जितने भी गर्मी के कपड़े होंगे वहाँ से कोरियर करा दूंगा और सर्दी के कपड़े इस्तेमाल करने लग जाऊंगा, इसलिए ज़्यादा सामान लेके जा रहा हूँ। बढ़िया है भाई, बाकी आगे वाली ट्रिप पूरी सोलो होने वाली है, तो मुझे सामान की जरूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। वैसे क्या होता है 2 बंदे होते हैं ना, तो एक एक बंदा थोड़ा थोड़ा सामान लेके कैरी करके चलता है, तो फिर काम चल जाता है बिना किसी दिक्कत के। अब बेसिकली मैं अकेला हूँ, सोलो ट्रिप होने वाली है ये, तो मुझे सामान की जरूरत पड़ेगी, तो सारा सामान मुझे लेके जाना जरूरी भी है। बाकी जेन्युइनली बताऊँ ना, पता नहीं चला इस बार बिल्कुल भी कि मैं कब घर आया और कब वापस निकल गया, बिल्कुल भी नहीं पता चला, ऐसे लगा चुटकियों में ये सब हो गया थोड़ा सा टाइम और मिलता ना घर वालों के साथ तो और ज़्यादा मज़ा आता, पर टिकट्स अवेलेबल नहीं मिल रही थी ना, तो जो अवेलेबल थी उनके साथ जाना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी मेरे पास टिकट नहीं है, मतलब जिस ट्रेन से मैं रात को चलने वाला हूँ ना उसके अंदर मेरे पास सीट नहीं है, लगभग आज की रात और कल सुबह तक मेरे पास उसके अंदर सीट नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है ब्रह्मपुत्र के अंदर। और मैंने उसके बाद मुझे माल्टा से अवेलेबल मिल रही थी, तो माल्टा टाउन से मैंने कामाख्या तक तो बुक कर ली है, पर उससे पहले पता नहीं क्या होगा, बाकी देखेंगे जो सोल्यूशन होगा वो फिर उसी के थ्रू जाएंगे भाई, कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी तो निकाल ही लेंगे। भैया चांदनी चौक वाली मेट्रो मजाक कर रहा हूँ तो मुझे चांदनी चौक जाना है, वैसे मैंने मजाक में बोल दिया सीधा चांदनी चौक छोड़ दो ई रिक्शा से, काफ़ी दूर हो जाता है यहाँ से, कोई ई रिक्शा नहीं जाएगा इतना दूर। बेसिकली जो पास ही नियरेस्ट है ना मेट्रो स्टेशन सेक्टर 10 द्वारका, तो वहाँ तक छोड़ने जाएगा रिक्शा, तो उनसे मजे ले रहा था मैं घबरा के एकदम से पीछे हो रहा चांदनी चौक मेट्रो।
दिल्ली तक छोड़ सकते हैं? फिर वहाँ चार्जिंग कैसे करोगे? 100 किलोमीटर तक है तो जाकर वापस आ जाइए बस। कितने? हाँ 120 रास्ते में बंद हो जाए, धोखा दे सकती बैटरी, भरोसा मत करना। आना जाना? आना जाना। अच्छा अच्छा फिर तो हो जाएगा। चलो चलो, वैसे मैं ज्यादा लेट हो जाऊंगा अंकल अगर आपके साथ गया तो, नेक्स्ट टाइम पक्का चलूंगा। 1000 रुपए लोगे? नहीं नहीं, फिर दिल्ली मेट्रो जिंदाबाद। मैं सिर्फ 60 रुपए पहुंचूंगा, नहीं तो 1000 देने पड़ते। अच्छा पहुंचा के ही मानेंगे। इससे भी अंकल के साथ मजाक करते करते पता चला अंकल तो ऋतिक रोशन जी हैं। ध्यान से देखो भाई, दोनों हाथ में एक्स्ट्रा अंगूठे हैं। वाह, ये बहुत लकी लोग होते हैं, उनको ही होते हैं। जैसे भी भाई मुझे गार्ड अंकल ने चेकिंग वाले उन्होंने भी रोक लिया भाई, कह रहे आप कैसे जा रहे हो आगे इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके। फिर मैंने चेक कराया बैटरी बैकअप है भाई, चार्जिंग वार्जिंग के लिए चाहिए होते हैं, और मेरे पास ना लगभग 1,00,000 mAh बैटरी बैकअप है। अगर 7-8 दिन तक अगर बिजली ना भी मिले ना तो भी चार्जिंग रहती है, तो वो चीज़ अच्छी है भाई। अगर बाई चांस कहीं फंस जाए, नहीं मिले तो उनके तो काम आती ही आती है। फिर बाकी चलते हैं भाई, मेट्रो आने वाली होगी, चढ़ते हैं यहाँ से सीधा करोल बाग के लिए। वैसे विपिन भाई भी निकलने वाले थे अपने काम के लिए मोतीनगर, तो विपिन भाई से थोड़ी हेल्प हो गई सामान वामान उठाने में, सिर्फ और सिर्फ मोतीनगर तक, बाकी आगे मुझे खुद ही उठा के चलना है। थैंक यू विपिन भाई। लो भाई पहुंच चुके हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन, पर यहाँ से थोड़ा बहुत दूर दिखा रहा है भाई जो डिकैथलॉन है ना, तो पैदल पैदल जाने में हालत ख़राब होने वाली है। देखते हैं नीचे ई रिक्शा मिल जाएगा तो आसान हो जाएगा। लो भाई आज फेमस पटरी मार्केट भी लगी हुई है करोल बाग के अंदर। सो यहाँ पर हमें स्टिक्स मिल चुकी है भाई, ये फायदा है डेली वाले स्टोर का, और बाकी स्टोर में मिलती नहीं है इजीली। बाकी मैंने आगरा में भी चेक किया था, इवन हम डिकैथलॉन गुवाहाटी में भी चेक किया था, वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं थी, पर डेली में करोल बाग में अवेलेबल थी। यहाँ का स्टोर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बहुत वैरायटी में सामान है यहाँ पे। अभी अपने को स्टिक्स तो मिल गई हैं, पर ये स्टिक्स ना असेंबल खुद ही करनी पड़ती हैं, लेकिन मैंने हेल्प मांग ली है डिकैथलॉन स्टोर में, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी है, तो वो फिक्स करके दे देंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी भाई। नहीं तो बाकी वैसे एक्स्ट्रा उठा के लेके जानी पड़ती। अब मैं अपनी स्टिक्स फेंक दूंगा जो ख़राब है, और ये स्टिक डाल के ले जाऊंगा आराम से। इतना आसान मैं समझ रहा था, उतना आसान है नहीं, काफ़ी मेहनत वाला काम है भाई, और लगभग 2-3 लोग अलग अलग लग चुके हैं भाई इसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा, मैंने नहीं किया खुद। और लास्ट टाइम आपको याद होगा अपने को ना अपने फैमिली मेम्बर रेलवे स्टेशन मिलने आए थे, और आज भी इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तो मैंने बोला चलो मिल लो कोई दिक्कत नहीं है,
बाकी यहीं पे स्टोर पे आ गए थे और यहीं से हम सीधा भी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ सारा सामान अभी ना डिपॉजिट कर देंगे ताकि वहाँ हम आराम से घूम सकें जब तक टाइम है ट्रेन को आने में। सामान वामान बाकी सारा ले लिया है डीकैथलॉन से जो आगे यूज़ में आने वाला है और अब आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लगभग सारा ही सामान ले लिया है। लिख के लेके आया था मैं सारा नोट डाउन करके, जैसे जैसे सारे काम डन होते गए टिक करता गया और एंड ऑफ द डे सारे कंप्लीट हो गए। पहले पहले क्या होता था मैं बस याद रखता था दिमाग के अंदर और फिर एंड में भूल जाता था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा, सारी चीज़ें ले ली है भाई। चलो भाई लेके चलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन। सो भाई कम सम जैसा कोई रेस्टोरेंट नहीं था रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे स्टेशन से बाहर ही बिल्कुल जो बाहर रेस्टोरेंट नहीं था वहीं खाने के लिए आ चुके हैं। इनसे हम पिछली बार दाल ले गए थे जो हमसे बिल्कुल भी नहीं खाई गई थी। अगर आपने पहले वीडियो देखी होंगे ना तो आपको पता होगा भाई, जब लास्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे तब यहाँ से दाल ले गए थे और वो टेस्टी भी थी। हमने सोचा लो इन्हीं के पास आ जाते हैं खाने के लिए। बाकी खाना मैंने बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया है भाई, पनीर खा रहे हैं आज, मस्त इंतजार करते हैं और अपनी ट्रेन को ना अभी भी 2 घंटे आने में, बाकी अंदर जाके आराम से टिकट विकेट भी लेनी है और पता नहीं अंदर जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हाल होगा पता नहीं क्या होने वाला भाई। मैं पहली बार ऐसा होने वाला कि मैं दिल्ली की तरफ से जनरल में चढ़ने वाला हूँ। नॉर्मली दिल्ली की तरफ से सीट मिल जाती थी हमेशा, लेकिन इस बार कोई सीटें नहीं मिल रही कहीं पे भी जाने की। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग पता है जो आज या कल में ट्रैवल करने वाले हैं लेकिन टिकट किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास आधे रूट से टिकट है जो कि मैंने आज से कम 30 दिन पहले बुक करी थी, तो वो मुझे आधे रूट की मिली थी उस टाइम पे, पर लोगों के पास वो टिकट भी नहीं है। लेकिन खतरनाक हाल होने वाला, पता नहीं क्या होता, देखते हैं। सो यहाँ हम दोनों भाइयों ने खाना खाने के लिए लगा दिया भाई। वैसे भाई भी भूखे थे और मैं तो कुछ ज्यादा ही भूखा था क्योंकि मैं कुछ खाया नहीं था भाई, हल्का फुल्का ही खाया था। बहुत भूख लग रही है मुझे अभी। अच्छा चलो भाई भाई बढ़िया तरीके से फिर मटर पनीर खाते हैं। मटर पनीर ऑर्डर कर दिया था, मस्त आ भी गया है। मैं आपको जेन्युइन देता हूँ, ये सिर्फ 10 या 15 मिनट बना के लाते हैं, मैं समझ नहीं आता क्या करते हैं, गर्म करके लाते हैं क्या करके लाते हैं, फ्रेश भी बनाते हैं तुरंत, लेकिन 10-15 मिनट ही रखते बनाने में, इससे ज्यादा टाइम लगता बनाने में। चलो भाई फटाफट खा लेते हैं। भाई खतरनाक लंबी लाइन है भाई जनरल की। वैसे तो हम दूसरे ऐप से भी बुक कर सकते थे लेकिन रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर जाना पड़ता है बुक करने के लिए, पर कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं हो जाएगी। बंद रखा? नहीं नहीं चालू है चालू है। ऐसे इतनी भीड़ ना उस दिन नहीं थी जब हम यहाँ से नॉर्थ ईस्ट पहले जा रहे थे भाई, पर आज ऐसी भीड़ दिख रही है कि मुझे लग नहीं रहा कि कहीं जगह मिलने वाली है। और हैरानी की बात यह है कि स्लीपर के इस ट्रेन के अंदर कोच सिर्फ 4 है और बाकी जितने सारे कोच हैं वो सारे के सारे एसी के हैं। जस्ट अभी मैंने नोटिस किया भाई, मतलब अगर देखा जाए तो एसी वालों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है भाई, स्लीपर वालों के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है। खतरनाक हाल है। सामान मैंने काफ़ी ज़्यादा उठा रखा है, पहले फटाफट प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं फिर आराम से बात करूँगा आपसे। बाप रे, अब पता चल रहा हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। और मैं ना अपोजिट डायरेक्शन से एंटर कर गया हूँ और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना पूरा घूम के। ये कुछ हाल है भाई इस वक्त रेलवे स्टेशन का भाई, रस्सियाँ बांधी जा रही है लोगों को रोकने के लिए। बाप रे पूरी भरी हुई है, वो देखो उधर भी। पहली बार सही बताऊँ तो डर लग रहा है पता नहीं क्यों पर लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा। क्या होगा बाद में पता चलेगा बड़ा खतरनाक हाल है आज। सबसे बढ़िया काम इंडियन रेलवे का आज तक मुझे जो लगा है वो ये है, देखो आरपीएफ वाले बहुत ज़्यादा तैनात हो रखे हैं और सारे लोगों को रोक रखा है एक साइड में ताकि आराम से एक एक करके चढ़े, नहीं तो पता क्या होता है लोग एकदम से जबरदस्ती घुसते हैं और कई लोगों को उसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता है, डेथ भी हो जाती है, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, कुछ भी खतरा हो सकता है। पर ऐसे क्या है सबको रोक के रखा जाएगा, जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी तब तक नहीं चढ़ने दिया जाएगा किसी को भी, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है भाई, बढ़िया है, काफ़ी सही किया है। बाकी लग तो नहीं रहा कि हमें कुछ मिल पाएगी जगह बैठने के लिए, ये जिस तरीके से भीड़ है ना डर और लग रहा है। सो कुछ इस तरीके का हाल है भाई, खतरनाक वाला। अरे भाई इधर से मत आओ, जिस तरीके से सभी को बैठा दिया गया है अब आगे की तरफ भी नहीं जान दे रहे, और कुछ अजीब सा है भाई सबको बैठा दिया। अब जो आगे बैठा हुआ है ना उसका तो एक मौका है सीट शायद मिल जाए, पर पीछे वालों को नहीं। क्या कहते हो भाई मिलेगी? मिल जाएगी सीट क्यों नहीं मिलेगा भाई, कहाँ जाना है? कालका जा रहा हूँ। कालका क्या है? बिहार। बिहार जी भाई। बिहार में क्या करोगे जाके? घर है अपनी, घर है अपनी, त्यौहार है क्या अभी? त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? छठ पूजा में जा रहा हूँ। छठ पूजा में जा रहा है, इसी चक्कर में भीड़ जा रहा है। ये बिहार की तरफ जो ट्रेन जाती है ना उसमें भीड़ ज्यादा होती है, ये कारण क्या है? सीट मिलेगी?
भाई ट्रेन आ चुकी है, पर जैसे ही ये ट्रेन आई ना, इससे ज़्यादा खौफ मुझे आज तक कभी नहीं हुआ किसी भी ट्रेन को देख के। बहुत डर चुका था मैं जैसे ही ट्रेन आई। देखिए वहाँ पे मारम मारी हो गई है, अर्श भाई भी वहीं पे लगे हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए अर्श भाई हैं, ये वाइट वाले शर्ट के पास, वाइट वाला किसमें चढ़ने ही नहीं दे रहा है। भीड़ देखिए भाई, देखिए ये बैठे अर्श भाई, अरे एक आदमी के लिए ढंग से जगह देख लेते पहले। क्या अब क्या हुआ, नहीं आ रही लेडीज? भाई परेशान हो रहे हैं, टेंशन हो रही है उन्हें कि शायद कुर्सी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। मैं कह रहा हूँ टेंशन मतलब चले जाओ, उनकी मिसेज है ना बैठने के लिए। हाँ टंगा टंगा है, अच्छे से टंगा है। बाकी भाई के लिए जगह हमने रुकवा ली है, भाई को बैठा दिया है, और इनकी जो वाइफ है वो आएंगी, वो बैठेंगी ऐसा कह रहे हैं। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आएंगी कहाँ से वो। भाई वो गई भी बड़ी टेक्निक के साथ थे। बड़ी देर मेहनत करने के बाद लेडीज वो भी लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ के क्रॉस करके गई है अंदर। समझ सकते हो किस तरीके से भर रही थी ट्रेन, एक मतलब कह सकते हैं ना एक सांस लेने तक की जगह भी नहीं है, बिल्कुल भी एक इंच की भी जगह नहीं बची है, बिल्कुल चिपक चिपक के छाती के साथ छाती, खतरनाक हाल है। कहाँ तक जाएगा, पटना तक जाएगा, ऐसी जाएगा सीट भी है तेरे पास, फिर तू लंगूर का बनाए जाके बैठ अंगूर का। अच्छा बैग लेने आया ना, ब्लॉग तो तेरा बना पड़ा, तू लंगूर की तरह बैठा रहा इसलिए। मेरा भाई खतरनाक हो रखा है, पूरा लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहा है। चल पड़ी ओ चकर रहो यूट्यूबर का कार्ड जेब में रख ले, यूट्यूबर का कार्ड।
ये कोई पैसेंजर बैग छोड़ के चला गया, थोड़ी टेंशन ही हो रही है, इस बैग के अंदर कुछ हो भी सकता है। बाकी वीडियो बना रहा हूँ भाई, कुछ सामान नहीं निकालने वाले 1% भी, बस कुछ गलत ना हो, क्योंकि ट्रेन चल चुकी है और बंदा कोई आया नहीं। भाई सामान मत देख, नीचे देख क्या है, नीचे अंदर क्या है, बॉम्ब भी हो सकता है भाई, है ना, कुछ भी हो सकता है। नीचे तक देखो, नीचे तक देखो, अबे नीचे तक देख लो क्या है, कपड़े भाई मेरी लाइफ का ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा, मतलब आदमी की जिंदगी में कहते हैं ना किसी चीज को शिद्दत से कोशिश करता ना पाने की, वो वाला सीन हो चुका था आज। सीट के लिए ऐसे लड़ाई हो रही थी, उसके बाद मुझे रिलाइज हुआ मेरे पास तो आईफोन है, आईफोन चला गया तो और नुकसान, तो मैंने सोचा पहले आईफोन बचा लेता हूँ, बाद में बाकी देखा जाएगा भाई। फिर वो जब बचाने की सोची तो उतनी देर में पीछे से इतना धक्का आया, मैं ट्रेन के दीवार पे साइड में पूरा चिपक गया गंदी तरीके से भाई। फिर बड़ा आराम से साइड होते होते मैं घुसा अंदर, बस घुस गया, मुझे पता नहीं कैसे घुसा हूँ जगह मिल गई। अभी तो ये सफर की शुरुआत है जो आप अपने वीडियो में एंड में देख रहे हो भाई, बाकी सफर तो आपको कल देखने के लिए मिलेगा। सोचो इसी कंडीशन में छठ पूजा के टाइम पे मुझे बिहार क्रॉस करके जाना है, और भीड़ बढ़ते जाएगी जितने स्टेशंस और आएंगे, सोचो क्या होने वाला है आगे। बाकी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट करके जरूर जाना। बाय बाय, बाय बाय कर दे, बाय बाय, मिलते हैं कल। जा रहा है भाई, बता जा कर, बता तो दे भाई, बाथरूम जा रहा है इस कंडीशन में, बताओ यार हद हो गई। अबे रोक के बैठ जा भाई, बैठ जा रोक के, तो भाई कर दे उल्टी, कर दी क्या हो गया, उल्टी आ रही थी उसे, अरे बाप रे।